स्टूडेंट्स इसके पहले कि हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को स्टार्ट करें एक बार चेक कर लेते हैं कि ऑडियो वीडियो सबके सब पास सही पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है सभी लोगों को ऑडियो और, और वीडियो सही से रिसीव हो रहा है तो इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस कर चुके हैं और अब स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन का डिस्कशन जैसे एक क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय लॉरेंस फोर्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉरेंस फोर्स क्या होता है तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल जिसमें चार्ज क्यू है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स कितना लगेगा तो फोर्स एग्जैटेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्यू ई तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स एग्ज करेगा क्यू ई और मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स होगा क्यू वी क्रॉस बी तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में है तो दोनों मिलकर के पार्टिकल पर नेट फोर्स एग्ज करेगा क्यू ई प्लस क्यू भी क्रॉस बी इसी फोर्स को नेट फोर्स को बोलते हैं लॉरेंज फोर्स यानी कि लॉरेंज फोर्स इज फोर्स एग्जेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स एग्जेड बाय मैग्नेटिक फील्ड तो एग्जॉट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के द्वारा लगाए गए फोर्स का जो नेट वेक्टर सम होगा वही है नेट फोर्स यानी कि लॉरेंज फोर्स तो लॉरेंज फोर्स का एग्जाम्पल फॉर्मूला हो गया क्यू ई प्लस क्यू भी क्रॉस बी वाट डू मीन बाई लॉरेंज फोर्स इट तो इज नेट फोर्स एग्जॉटेड ऑन ए चार्ज पार्टिकल बाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्जॉक्ट करेगा क्यू ई और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एग्जॉक्ट करेगा क्यू भी क्रॉस बी तो आप लोग इसमें एक लाइन ऐड कर देंगे कि लॉरेंज फोर्स इज नेट फोर्स एग्जॉटेड ऑन ए चार्ज पार्टिकल बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड एंड नेट फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल कैन बी गिवन एज क्यू ई प्लस क्यू भी क्रॉस बी नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल तो ये हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन के डिस्कशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के डिस्कशन में देख चुके थे इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कम कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर टू चार्जेज टू पॉइंट चार्जेज सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस तो इट इज कॉम्बिनेसन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाई वेरी स्मॉल डिस्टेंस तो यहाँ पर लिख लेंगे राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल तो लिखेंगे कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेज टू इक्वल एंड अपोजिट अपोजिट चार्जेज चार्जेज सेपरेटेड बाई सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस और किसी भी डायपोल के लिए हम लोग फिर बोल सकते हैं कि डाइपोल के लिए डिफाइन करते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी उस वेक्टर क्वांटिटी को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी इज डिफाइंड फॉर अ डाइपोल विच वी कॉल डाइपोल मोमेंट एंड डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होगा चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेज एंड डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर कैन बी एज्यूम्ड फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू वाड्स पॉजिटिव चार्ज यानी कि माइनस से प्लस चार्ज की ओर बस इतना लिख देंगे अगर टाइम बसता है तो यूनिट इस लिख देंगे तो काफ़ी है तो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक आईपोल में पहले तो ये फिगर बना देना है माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज और बोलेंगे कि इट इज़ कॉम्बिनेसन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाई वेरी स्मॉल और स्मॉल डिस्टेंस और यहाँ पर चार्जेस के जगह पर बोलेंगे पॉइंट चार्जेस क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग ये बात करेंगे और उसके बाद जितना भी जानते हैं हम लोग अगर टाइम परमिट होता है टाइम और बचता है तो लिख देंगे कि इस इस पॉइंट को सेंटर बोलेंगे दोनों चार्ज को मिलाने में लाइन को एक्सिस बोलेंगे एक्सिस पर किसी पॉइंट को एक्सल पॉइंट या इंड साइड ऑन पोजिशन बोलेंगे और इसके बहुत परपेंडिकुलर बाई को ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी पूछा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड सब फिगर में रिप्रेजेंट कर दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्सियल पोजिशन होगा के टू के पी बाई एक्स क्यू और एट एनी ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन होगा के पी बाई वाई क्यू वाई डिस्टेंस पर होगा इस डायरेक्शन में के पी बाई वाई क्यू तो ये सब चीज़ हम लोग लिख देंगे तो डाइपोल का रिवीजन कर लेना है इस पर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आ सकता है डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन पूछा सकता है तो जितना हम लोग डिस्कस किए उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एक आना चाहिए एक्सप्लेन द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर तो कैपेसिटर किसको बोलते हैं कैपेसिटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स ऑफ एनी आर्बिटरी साइज सेपरेटेड बाई वेरी स्मॉल डिस्टेंस तो अगर इस तरह से दो कंडक्टर हैं तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे कैपेसिटर और सेपरेशन बिटवीन टू कंडक्टर शुड बी स्मॉल। स्मॉल बोलने का मतलब यहाँ पर है इसके डायमेंसन्स के रिस्पेक्ट में जो कंडक्टर है उसके डायमेंसन के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस छोटा होना चाहिए और बहुत सारा एग्जांपल इसमें हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि दो पैरल प्लेट अगर स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड है तो ये बन जाएगा पैरल प्लेट कैपेसिटर अगर दो स्फेरिकल कंडक्टर इस तरह से रखा हुआ है तो ये भी बन जाएगा स्फेरिकल कैपेसिटर दो सिलेंडर इस तरह से रखा हुआ तो बन जाएगा सिलेंडिकल कैपेसिटर इवन एक सिंगल कैपेसिटर भी कैपेसिटर एक सिंगल स्पेयर भी एक बनेगा वहाँ पर कैपेसिटेंस डेवलप होगा स्फीयर और इन्फिनिटी के बीच में तो एक सिंगल कंडक्टर को भी कैपेसिटर बोल सकते हैं उसके लिए दूसरा कंडक्टर का काम कौन करेगा इन्फिनिटी तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे कि एक्सप्लेन द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर तो पहले तो कैपेसिटर को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि कैपेसिटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर अब इसके लिए सर्किट सिंबल है इस तरह से इसको हम लोग सर्किट सिंबल इसके लिए ऐसा यूज़ करेंगे दो स्ट्रेट लाइन और कैपेसिटी का मतलब क्या है कैपेसिटर का काम है चार्ज को स्टोर करना जब हम इस पर कोई सेल से इसको कनेक्ट करेंगे और सेल का वोल्टेज भी है तो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इस पर चार्ज प्लस क्यू भेजेगा और निगेटिव टर्मिनल चार्ज भेजेगा माइनस क्यू तो चार्ज एक प्लेट पे प्लस अपीयर होगा और सामने वाले पे माइनस अपीयर होगा और चार्ज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल लाइट पोटेंशियल डिफेंस या वोल्टेज बिटवीन टू प्लेट्स और टू कंडक्टर्स और इसको अगर इक्वेट कर देंगे तो की इक्वल्स टू सम कांस्टेंट सी इनटू टू यही जो कांस्टेंट सी है वो है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज इक्वल टू चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस और ये जो कैपेसिटेंस है वो क्या है प्रोपोशनैलिटी कांस्टेंट है तो ये चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेगा इट डिपेंड्स ओनली अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड जोमेट्रिकल अरेंजमेंट और ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग ऑफ द कंडक्टर्स एंड मीडियम बिटवीन द कंडक्टर्स तो कैपसीटेंस डिपेंड्स अपॉन शेप ये सब मेंशन करेंगे शेप साइज ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट मीडियम बिटवीन मीडियम बिटवीन कंडक्टर्स इतना केवल लिख देंगे काफ़ी है अब यहाँ से बोल सकते हैं एस आई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस एस आई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस यहाँ से बता सकते हैं सी इक्व टू चार्ज बाई वोल्टेज चार्ज का यूनिट होता है कुलम्ब कुलम्ब और वोल्टेज का वोल्ट कुलम्ब पर वोल्ट और इसको साइंटिस्ट के ऑनर में बोलेंगे फेराड तो ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फराड और कुलम्ब पर वोल्ट ये दो नंबर का सब क्वेश्चन है दो नंबर का क्वेश्चन सब है तो उसमें दो चार लाइन लिख देंगे अब नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टिविटी व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टिविटी तो इसके लिए हम लोगों को किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बारे में पहले जानना होगा अगर कोई कंडक्टर इस तरह से है जिसका लेंथ है एल और एरिया ऑफ सेक्शन ए है और रेजिस्टिविटी ऑफ दी कंडक्टर रो है तो हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया यहाँ भी बोल सकते हैं कि रजिस्टेंस इक्वल्स टू सम कांस्टेंट उस कॉन्स्टेंट बोलते हैं रो यानी रजिस्टिविटी स्पेसिफिक रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी एल बाई ए तो हम सारी चीज़ों को यहाँ पर बोल दे रहे हैं लिख नहीं रहे हैं लिखने में टाइम ज़्यादा लगेगा जब भी जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके उसको आप देख डिटेल में देख सकते हैं और वर्ड में जितना लिख सकते हैं फिगर बनाना होगा बोर्ड के एग्जाम में जहाँ भी लिखने का बात है वहाँ पर फिगर बनाना है उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना है टाइम को ध्यान रखते हुए तो आर इक्व टू एल बाई ए तो आर इक्व आर डायरेक्टरी पोर्सनल टू एल बाई ए तो आर इक्वल टू रो एल बाई ए तो यही इसी रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर और यहाँ से हम रो को डिफाइन कर सकते हैं रो इक्वल टू आर इन टू एल आर इंटू ए बाई एल तो अगर ए का वैल्यू वन कर दें एल का वैल्यू वन कर दें तो रेजिस्टेंस जो किसी मटेरियल का होगा वही क्या हो जाएगा रेजिस्टिविटी तो हम बोल सकते हैं कि रजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज़ रजिस्टेंस ऑफ यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ अगर किसी का एरिया ऑफ प्रोसेशन का वैल्यू पुट कर दें वन जैसे अगर हम कोई क्यूब ले लें ले, और क्यूब का एरिया वन ले लें साइड भी वन है तो एरिया भी वन हो गया और लेंथ भी वन हो गया तो इस तरह के क्यूब का जो रेजिस्टेंस होगा दो फेस के बीच में वो होगा उसके रजिस्टिविटी के बराबर क्योंकि रजिस्टिविटी क्या होगा रजिस्टेंस और एरिया वन लेंथ वन यानी कि रजिस्टिविटी इज रजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल ऑफ यूनिट एरिया ऑफ हैविंग यूनिट लेंथ तो अगर किसी का एरिया ले लें वन और लेंथ भी ले लें वन ले 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 तो उसका जो रजिस्टेंस होगा वो रजिस्टिविटी के बराबर होगा तो इस बात को वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देंगे कि रजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज रजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल होज एरिया इज़ वन एंड लेंथ इज़ वन एरिया यूनिट लेंथ यूनिट और रजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर का किस तरह से डिपेंड करता है टेम्परेचर पर तो ये जानते हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो रजिस्टेंस भी बढ़ता है रजिस्टिविटी भी बढ़ता है तो इस तरह से कुछ कर्व होता है स्मॉल टेम्परेचर के लिए कर्व क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन तो टेम्परेचर और रजिस्टिविटी इस तरह से वेरी करता है कंडक्टर के लिए बाकी इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर के लिए उल्टा हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ने पर रजिस्टिविटी कंडक्टर का इंक्रीज करता है इंसुलेटर का घटेगा सेमी कंडक्टर का भी घटेगा और सुपर कंडक्टर में रजिस्टिविटी रजिस्टेंस होता ही नहीं है नेक्स्ट है राइट एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ई जिसको हम लोग सेल के लिए यूज़ करते हैं ई एम ऑफ ए सेल तो ये एक मिसनोमर है जिसका नाम में फोर्स लगा हुआ है लेकिन ये क्या है वोल्टेज है तो वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या होगा वोल्ट होगा तो हम लोग किसी भी सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है टर्मिनल वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है उसको रिप्रेजेंट करते हैं इसे जब कोई सेल करंट डिलीवर नहीं कर रहा है तो उसको दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे ईएमएफ। तो ईएमएफ क्या है तो हम लोग इसके लिए एक्सप्लेन करेंगे कि जब कोई सेल जिसका दो टर्मिनल है एक प्लस एक माइनस जब इस सेल से हम कोई करंट डिलीवर नहीं करेंगे या कोई करंट इसमें इन आउट नहीं होगा तो दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही है उसका ईएमएफ तो ईएमएफ इज़ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल वेन सेल डज नॉट डिलीवर करेंट जब सेल कोई करंट नहीं दे रहा है मार्केट से हम जो सेल लाएंगे बिना कोई करंट उससे ड्रॉ किए तो दोनों टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज है वो, वो उसका ईएमएफ एम कहा जाएगा लेकिन इसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है जब सेल करंट देगा तो इंटरनल डिस्टेंस में उसका जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनल डिस्टेंस में भी कुछ वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा कुछ यूज हो जाएगा तो फिर टर्मिनल वोल्टेज कम मिल जाएगा तो अगर सेल से करंट हम लेंगे बाहर की ओर निकलेगा तो कम वोल्टेज मिलेगा सेल में करंट जाएगा तो वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा तो चार्जिंग जब सेल में करंट जा रहा होता है तो बोलते हैं इसको कि चार्जिंग मोड में है और सेल से करंट जब बाहर निकल रहा था निकलेगा तो उसको बोलेंगे कि वो डिस्चार्जिंग मोड में है तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बोर्ड में सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो ई से अलग होगा लेकिन जब कोई भी करंट नहीं डिलीवर करेगा सेल तो टर्मिनल वोल्टेज को कहा जाएगा उसका ई और ऐसा यूनिट क्या उसका हो जाएगा वोल्ट व्हाट डू यू मीन बाई कलर कोड ऑफ कार्बन तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कलर कोड इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो दो नंबर का लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है लेकिन इस पर बेस्ट कोई छोटा सा क्वेश्चन ही आना चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन में ही में आएगा व्हाट डू यू मीन बाय कलर कोड ऑफ ए कार्बन रजिस्टर कार्बन रजिस्टर का जो रजिस्टेंस होता है कार्बन रजिस्टेंस कार्बन रजिस्टर का जो रजिस्टेंस होता है उसके लिए कुछ उस पर स्ट्रिप या रिंग बना होता है और सभी रिंग का अपना एक पार्टिकुलर वैल्यू है ये सब लिखेंगे कि कार्बन रजिस्टर पे जो रजिस्टेंस होगा कार्बन रजिस्टर का रजिस्टेंस होगा उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कलर कोड और उसके लिए कार्बन रजिस्टर पे कुछ कलरफुल रिंग या स्ट्रिप बना होगा और कलर का अपना पार्टिकुलर वैल्यू है उस वैल्यू को याद करना होगा तो उसके लिए वैल्यू क्या है तो उसके लिए एक ऐसे याद रखना है बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी ग्रेट वाइफ तो यहाँ पर बी का मतलब हो गया ब्लैक इस बी का मतलब हो गया ब्राउन इस आर का मतलब हो गया रेड ओ का मतलब हो गया औरज वाई का मतलब हो गया येल्लो जी का मतलब हो गया ग्रीन बी का मतलब हो गया ब्लू वी का मतलब हो गया वायलेट इस जी का मतलब हो गया ग्रे और इसका मतलब हो गया वाइट अब सबका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा इसका वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगा जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो तीन रिंग होगा इस तरह से और एक चौथा रिंग होगा सबका वैल्यू क्या है तो ये रेजिस्टेंस का फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ ए रजिस्टर ये हो जाएगा सेकेंड सिग्निफिकेंट डिजिट और ये हो गया नंबर ऑफ जीरोज और ये है एक्यूरेसी यानी कि टॉलरेंस लिमिट उसके लिए याद रखना है टॉलरेंस लिमिट के लिए कलर अगर गोल्ड रिंग है तो टॉलरेंस लिमिट फाइव परसेंट सिल्वर है तो टॉलरेंस लिमिट टेन परसेंट और अगर कोई कलर नहीं है या कोई रिंग नहीं है तो टॉलरेंस लिमिट ट्वेंटी परसेंट जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं अगर कोई कार्बन रजिस्टर है इसमें तीन रिंग इस तरह से बना हुआ है और एक चौथा रिंग है मान लेते हैं ये वाला है कलर ऑरेंज ये कलर है रेड और ये कलर है मान लेते हैं ब्राउन आ, और येल्लो ये कलर है येल्लो और ये है गोल्ड तो इसका रिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा तो ये ऑरेंज कलर का जो रिंग है तो ऑरेंज के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर कितना है थ्री तो हो गया थ्री आर आर फोर रेड रेड के लिए सेकेंड डिजिट हो गया कितना टू और वाई वाई का मतलब येल्लो येल्लो नंबर ऑफ जीरोज तो ये नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया ये और प्लस माइनस कितना तो ये गोल्ड है तो इतना फाइव परसेंट तो इतना ओम रेजिस्टेंस होगा इस रजिस्टर का तो कलर कोड को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बुक से देख करके याद भी कर लेना है इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सारी बातों को उसमें एक्सप्लेन कर देंगे कलर कोड इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है कलर कोड में पूछा सकता है कि गोल्ड का टॉलरेंस लिमिट गोल्ड कलर का टॉलरेंस लिमिट कितना होता है या किसी कलर का ग्रीन का वैल्यू क्या होगा तो उसके लिए सबको याद रखना है ये ये सेंटेंस बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी ग्रे वाइफ और यहां ये नंबर स्टार्ट होगा जीरो वन से लेकर के नाइन तक व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल इंडक्शन नेक्स्ट छोटा क्वेश्चन है म्यूचुअल इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन बोला गया तो पूछा सकता है सेल्फ इंडक्शन भी म्यूचुअल इंडक्शन तो इसके लिए दो क्वाइल बनाएंगे क्वाइल वन और दूसरा क्वाइल टू इस तरह का फिगर बना देंगे क्वाइल टू अगर एक क्वाइल में हम करंट चेंज करें तो उसके चलते दूसरे क्वाइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा या दूसरे में करंट चेंज करें तो पहले वाले में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा तो इस घटना को बोला जा रहा है म्यूचुअल इंडक्शन तो अगर जैसे और मान लेते हैं कि एक रिंग है और एक दूसरा रिंग है अगर एक रिंग में हम करेंट फ्लो करा, कराएँ तो उस करंट का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे रिंग से ही पास करेगा अगर हम इस क्वाइल में करंट फ्लो करा दें तो ये करंट प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड दूसरे क्वाइल से भी होकर के जाएगा यानी कि जब करंट चेंज करेंगे तो इसके द्वारा प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इस ये भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और इससे फ्लक्स चेंज होगा यानी कि अगर एक में हम करंट चेंज करें तो दूसरे का फ्लक्स जो है वो वैरी करेगा ये चेंज करेगा या दूसरे में करंट चेंज करें तो पहले वाले से फ्लक्स वेरी करेगा तो व्हेन करेंट इन वन क्वाइल वैरिज देन फ्लक्स थ्रू अदर क्वाइल एंड हेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अकर्स इन द सेकेंड क्वाइल एंड वाइस वर्सा यानी कि वेन करंट इन सेकेंड क्वाइल इज चेंज देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अकर्स इन द फर्स्ट क्वाइल दिस टाइप ऑफ फेनोमेनन कैन बी कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन एक्सप्लेन चौक क्वाइल ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है म्यूचुअल इंडक्शन था तो म्यूचुअल इंडक्शन जब मॉडल पेपर में है तो सेल्फ इंडक्शन ही पूछा जा सकता है तो सेल्फ इंडक्शन को भी देख लेते हैं सेल्फ इंडक्शन क्या है जब सेम क्वाइल में करंट चेंज करेंगे तो इस क्वाइल के द्वारा प्रोड्यूस्ड माइनेटिक फील भी चेंज होगा और उसके चलते इस कॉइल से सेम कॉइल से फ्लक्स भी चेंज करेगा तो जब सेम कॉइल में करंट चेंज करेंगे तो उसमें फ्लक्स चेंज करेगा और फ्लक्स चेंज होने के चलते डेवलप होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसमें इसमें होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और उसके चलते डेवलप होगा इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस या इंड्यूस्ड ईएमएफ तो इस तरह की घटना को बोला जा रहा है सेल्फ इंडक्शन तो जब हम सेम क्वाइल में ऐसा देखेंगे कि जब ड्यू टू चेंज इन करेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अकर्स इन द सेम क्वाइल दिस टाइप ऑफ इंडक्शन कैन बी कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन सब डिटेल में बढ़ाया भी हुआ है उसको एक बार रिविजन कर लेंगे एक्सप्लेन चोक क्वाइल चोक क्वाइल क्या है तो चोक क्वाइल सिंपली इंडक्टर और रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है इंडक्टर का काम क्या है इंडक्टर का काम है करंट को अचानक बढ़ने से रोकना तो ये चौक क्वाइल देखते हैं कि जो इतना जी बी ट्यूब है जो मरकरी देखते हैं ट्यूब देखते हैं उसमें ये चौक क्वाइल लगा होता है अगर अचानक उसमें करंट हम स्विच ऑन करेंगे तो ट्यूब डैमेज होगा करंट को अचानक बढ़ने से रोकना है तो उसके लिए हम लोग उसके पहले जो करंट जाएगा वो चौक क्वाइल से होकर पास होगा और ये इंडक्टर करंट को अचानक बढ़ने से या अचानक घटने से रोकता है किसी भी कॉइल में जो सेल्फ इंडक्शन होता है इसमें तो चोक क्वाइल इज सिंपली एल सर्किट इंडक्टर रजिस्टर सर्किट और इसका यूज़ क्या है ये बता देंगे तो इट प्रिवेंट्स सडन इंक्रीज इन करेंट हेंस इट कैन सेव फ्लोसेंट ट्यूब और एनी अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस राइट टू स्टैंडर्ड पॉजिशंस इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैग्नेट किसी बार मैग्नेट के द्वारा राइट टू स्टैंडर्ड पॉजिशन इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैग्नेट तो किसी मैग्नेट का मैग्नेट के लिए दो इंपॉर्टेंट पोजिशन बताना है मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो एक इंपॉर्टेंट पोजिशन है इन साइड ऑन पोजिशन जो मैग्नेट के एक्सिस पर होगा मैग्नेट के एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो एक इंपॉर्टेंट पोजिशन हो गया इन साइड ऑन पोजिशन और दूसरा हो गया उसके परपेंडिकुलर वाइ सेक्टर पे ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन बस ये बता देंगे एक्सप्लेन मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ देखो तो ये भी ऑब्जेक्टिव लो डिस्कस कर चुके हैं तो तीन एलिमेंट होता है मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ में टोटल कितना एलिमेंट है थ्री एलिमेंट्स तीन एलिमेंट है तीन एलिमेंट में कौन कौन है तो देयर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पहला एलिमेंट क्या है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन दूसरा एलिमेंट क्या है एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और तीसरा क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी एच से तो ये तीन एलिमेंट है जिसमें तीनों अगर पता है तो हम अर्थ पे किसी भी लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बता सकते हैं तो मैग्नेटिक एलिमेंट किसको बोलते हैं उस क्वान्टिटी को बोलते हैं जिसके सहायता से मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का कंप्लीटली डिफाइन किया जा सकता है मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ अर्थ आर दोज क्वांटिटीज थ्रू विच वी कैन डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट एनी पॉइंट और लोकेशन ऑफ अर्थ और वो क्या क्या है एंगल ऑफ डिक्लेनेशन एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इसको रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा से और यह है बी एच अब थोड़ा सा डेफिनेशन भी देख लेते हैं। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन क्या है तो है तो बहुत सारा चीज़ पढ़ने के लिए समझने में बहुत सा टाइम लगेगा बोर्ड के लिए केवल समझ लेते हैं। पहला एलिमेंट एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन तो ये है मैग्नेटिक मेरिडियन और मेरिडियन मतलब कि वर्टिकल प्लेन वर्टिकल प्लेन तो एक मैग्नेटिक वर्टिकल प्लेन होता है इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड लाई करता है और दूसरा ज्योमेट्रिकल मेरिडियन उसी तरह से तो ज्योमेट्रिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन दूसरा एलिमेंट क्या है कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन से किसी अर्थ पर किसी पॉइंट पर या किसी लोकेशन पर जो अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हॉर्जेंटल डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है उस एंगल को बोलेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ इस डायरेक्शन में है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप और इसका दो कंपोनेंट होगा एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा जिसको बोल देंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच और इसका वैल्यू कितना होगा बी इंटू कॉस डेल्टा तो इस पर सवाल तो श्योर है कि इस बार बोर्ड में आना चाहिए जेंटल कंपोनेंट निकालने के लिए बोला जाए या उसको डिफाइन करने के लिए बोला जाए ये बोल देंगे और इधर से एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा बी साइन डेल्टा तो बस ये तीन एलिमेंट है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तो हम लोग किसी मीडियम के लिए रिफाइन करते हैं मीडियम चेंज होने पे लाइट का स्पीड चेंज होता है और स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन मीडियम और वो स्पीड कैसे डिपेंड करता है वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होता है सी तीन लाख किलोमीटर पर सेकेंड सी कॉस्ट होता है थ्री इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड लाइट का स्पीड किस में इन स्पेस और वैक्यूम लेकिन किसी मीडियम में लाइट का स्पीड हो जाता है वी कोस टू सी बाई म्यू यही म्यू कहा जाएगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इस तरह से डिफाइन करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है और वो इस तरह से डिफाइन किया जाएगा कि उस मीडियम में लाइट का स्पीड होता है वी इक्वल्स टू सी बाई म्यू स्पेस में होता है सी वैक्यूम में सी होता है किसी मीडियम में होता है वी इक्वल्स टू सी बाई म्यू म्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल वैक्यूम के लिए म्यू का वैल्यू वन होगा एयर क्लेम का वैल्यू वन से थोड़ा सा ज़्यादा होगा बाकी सब का वैल्यू वन से ज़्यादा ही होगा ग्लास का वन पॉइंट फाइव वाटर का फोर बाई थ्री एक्सप्लेन पावर ऑफ लेंसेस इन कॉन्टैक्ट अगर दो लेंस को कंबाइन कर दिया जाए तो इसका पावर क्या होगा तो हम लोग जानते हैं कि लेंस का पावर होता है एडिटिव यानी कि कॉम्बिनेशन दो लेंस को जो कंबाइन करने पर कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट पावर होगा वो दोनों लेंस के पावर का सम होगा अगर दो या दो से ज़्यादा लेंस को हम जोड़ दें तो सभी का पावर ऐड होता जाएगा तो पावर ऑफ लेंसेस गेट्स एडेड और इस तरह से हम उसका इक्वलेंट फोकल लेंथ भी बता सकते हैं पावर का मतलब होता है वन बाई एफ तो कॉम्बिनेशन भी एक लेंस की तरह काम करेगा अगर दो लेंस को हम ऐड कर दें तो वो कॉम्बिनेशन दो या दो से ज़्यादा लेंस को ऐड करने पर वो एक कॉम्बिनेशन एक लेंस ही बनेगा और उस लेंस का जो पावर होगा वो सभी के पावर का सम होगा अलजेबराइक समझ इसका प्लस है तो प्लस लेना है माइनस है तो माइनस लेना है और इस तरह से इक्वलेंट फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं पावर इक्व होता है वन बाई एफ़ तो वन बाई एफ इक्वलेंट टू वन बाई एफ़ वन प्लस वन बाई एफ टू एंड शो ऑन नेक्स्ट राइट द काउजेज ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस तो यह है डिफेक्ट्स ऑफ विजन डिफेक्ट्स ऑफ विजन शॉर्ट साइटेड शॉर्ट साइटेड मतलब कि केवल नज़दीक का चीज हम देख सकते हैं लॉन्ग साइटेडनेस दूर का चीज़ हम केवल देख सकते हैं शॉर्ट साइटेड जो केवल नज़दीक की चीज़ों को देख सके लॉन्ग साइटेडनेस जो केवल दूर की चीज़ों को देखे जैसे एकदम सिंपल एग्जाम समझना है शॉर्ट साइटेड स्टूडेंट्स होता है शॉर्ट साइटेड हम लोगों को जो चश्मा लगता है विद्यार्थी लोगों को जो चश्मा लगता है वो जनरली शॉर्ट साइटेड होता है नज़दीक का हम देख सकते हैं किताब पढ़ सकते हैं लेकिन दूर का हम लोगों को पढ़ते पढ़ते आदत हो गया कि दूर का चीज़ दिखाई नहीं देगा तो ये हो गया शॉर्ट साइटेडनेस और बुज़ुर्ग लोग को दूर का दिखाई देता है पाँच साल बाद क्या होने वाला वो देखेंगे कल हम जिए नहीं जिएंगे ये नहीं पता है स्टूडेंट को केवल कल के बारे में पता है नज़दीक की चीज़ों को वो देख पा रहा है कि कल हमारा एग्जाम है कल उसके बाद फिल्म देखेंगे जो भी है वो नज़दीक की चीज़ों को देखता है दूर की चीज़ों को नहीं देख पा रहा है तो जो केवल नज़दीक की के चीज़ों को देखेगा उसको बोलेंगे शॉर्ट साइटेडनेस और फार साइटेडनेस जो केवल दूर की के चीज़ों को देख पाएगा तो शॉर्ट साइटेड होने का मतलब क्या है तो ये है आई बॉल ये है आई लेंस और अगर कोई नॉर्मल पर्सन है तो इन्फाइट से आने वाले रे लेंस से पास होने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद रेटना पर एग्जैक्टली फोकस्ड हो जाएगा ये नॉर्मल पर्सन के लिए है लेकिन जिसको शॉर्ट साइटेडनेस हो जाएगा उसके लिए क्या प्रॉब्लम है उसके लिए प्रॉब्लम यह है कि नज़दीक की चीज़ों को तो ठीक है उसका जो नियर पॉइंट से जो लाइट आ रहा है वो रिटना पर फोकस्ड होगा लेकिन अगर इन्फिटी से कोई लाइट आ रहा है तो वो रिटना पर फोकस नहीं होकर के पहले ही फोकस्ड हो जाएगा पहले ही फोकस्ड हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम है तो इसके पीछे कारण क्या है एक कारण हो सकता है ये जो आई बॉल है वो लंबा हो जाए तो रेटना क्या होगा दूर चला गया तो लाइट जहाँ पर पहले आ रहा था वहाँ पर फोकस तो नॉर्मल केस में हो रहा था तो ठीक कोई प्रॉब्लम नहीं था दूर का चीज़ दिख रहा था लेकिन अगर यही आई बॉल इलोंगेटेड हो जाए ये अगर लंबा हो जाए आई बॉल तो रेटना पीछे खिसक गया अब रेटना पर फोकस नहीं होगा तो हमको दूर का चीज दिखाई नहीं पड़ेगा नजदीक का भी दिखाई देगा तो एक कारण है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल तो पूछा गया राइट द काउजेज ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस तो एक कारण है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल और दूसरा बोल सकते हैं कि फोकस ही कम हो जाए फोकल लेंथ ही कम हो जाए अगर अब इन्फिटी साइन वाली चीज पहले ही Focus हो जा रहा है यानी इसका फोकल लेंथ क्या हो गया कम हो गया तो एक कारण हो सकता है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल और दूसरा कारण हो सकता है डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस ये दो कारण है जिसके चलते किसी पर्सन को शॉर्ट साइटेडनेस होगा शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होगा कि इन से आने वाला जो रे होगा वो रेटना पर एग्जैक्टली फोकस्ड होगा तो वो नॉर्मल पर्सन है उसको दूर का चीज़ दिख रहा है लेकिन अगर यही रेटना आईबॉल के इलोंगेट होने के चलते लंबा हो जाने के चलते पीछे चला जाए तो ये पहले ही फोकस्ड हो जाएगा या फिर फोकल लेंथ ही इस लेंस का छोटा हो जाए सिकुड़ जाए तो फिर पहले फोकस होने के चलते हम लोगों को क्लियर दिखाई नहीं पड़ेगा अब ये इसका कारण शॉर्ट साइटेडनेस का ये हो गया और इसका रिवर्स उल्टा क्या हो जाएगा लॉन्ग साइटेडनेस का लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होगा कि दूर का चीज़ तो दिख रहा है लेकिन नज़दीक वाला चीज़ नहीं दिख रहा है तो शॉर्ट साइटेडनेस जब मॉडल पेपर में है तो लॉन्ग साइटेडनेस को भी पढ़ लेना होगा कि नज़दीक का चीज़ तो दिख रहा है दूर का चीज़ तो दिख रहा है लेकिन नज़दीक का चीज़ नहीं दिख रहा है क्योंकि उस केस में आईबॉल अब छोटा हो जाए कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो रिटना इसका जहाँ था उससे पहले ही आ गया तो अब रिटना के बाहर जा कर के फोकस्ड होगा तो नज़दीक की चीज़ों को देख नहीं सकते हैं लॉन्ग साइटेडनेस में लॉन्ग साइटेडनेस में नज़दीक का जो ऑब्जेक्ट होगा उससे लाइट रिटना के बाद जा कर के फोकस्ड होगा तो इसके पीछे कारण क्या होगा आई बॉल पहले यहाँ तक था अब वो छोटा हो गया शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल या फोकल लेंथ इसका बड़ा होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा वो जाएगा लॉन्ग साइटेडनेस अब दोनों का रिमेडी क्या है इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है अब सब कुछ जान लेना होगा रिमेडी क्या है तो जिसको शॉर्ट साइटेडनेस है यानी जिसको नजदीक का चीज केवल दिख रहा है दूर का नहीं दिख रहा है तो उसको यूज करना होगा कॉनकेव लेंस ये हो गया शॉर्ट साइटेडनेस के लिए शॉर्ट साइटेड पर्सन के लिए शॉर्ट साइटेड पर्सन के लिए यूज़ करना होगा कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस क्योंकि दूर का दिखना चाहिए दूर वाला जो लाइट आ रहा था वो रेटना पर से पहले ही फोकस्ड हो रहा था अब ये इसको डाइवर्स कर देगा और ये जा करके के फिर रेटना पर फोकस्ड होगा अदरवाइज़ ये नहीं रहेगा तो ये रेटना से पहले ही फोकस्ड हो जाएगा और लॉन्ग साइटेडनेस के लिए क्या यूज़ करना होगा उसका उल्टा कॉन्वेक्स लेंस तो लॉन्ग साइट ने लिए कौन सा लेंस यूज़ करना होगा बस ये सब याद करना है यही याद सकता है स्टूडेंट जनरली शॉर्ट साइटेड होता है और बुज़ुर्ग लोग होते हैं लॉन्ग साइटेड जनरली और ड्यू टू ओल्ड एज दोनों प्रॉब्लम होने लगता है कि ना नज़दीक का दिख रहा है ना दूर का दिख रहा है तो उसके दोनों तरह का कॉम्बिनेसन यूज़ करना होगा जब नज़दीक का देखना होगा तो कॉन्वेक्स लेंस और दूर का देखना होगा तो कॉन्केव लेंस तो देखते हैं कि बुज़ुर्ग लोगों में एक पार्ट जो चश्मा का है वो पेपर पढ़ने के लिए यूज होगा इसमें कॉन्वे नज़दीक का चीज़ देखना है और ये दूर के चीज़ को देखने के लिए तो दूर का चीज़ देखने के लिए कॉन्केब लेंस और इसमें कॉन्वेक्स लेंस वाट डू यू मीन बाई रेनबो तो रेनबो में देखते क्या होता क्या है डिस्पर्सन होता है जैसे प्रिम से जब कोई वाइट लाइट पास करता है तो सात कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है क्योंकि किसी भी मीडियम में लाइट का जो वेवलेंथ होगा डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लिए म्यू अलग होगा तो उसका डिविएसन भी अलग होगा और उसके इसमें उसका डिस्पर्सन रहता है तो रेनबो होता है ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट एक्सप्लेन वेब फ्रंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वेब फ्रंट क्या है वेव फ्रॉन्ट तो लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रॉन्ट। वेव फ्रॉन्ट किसको बोलते हैं जब लाइट या वेव कोई वेव या लाइट का जो डिस्टर्बेंस है स्पेस में जब प्रोपगेट करता है तो जहाँ जहाँ वेव पहुँचेगा तो मीडियम पार्टिकल एक साथ ओसिलेट करना स्टार्ट करता है तो लाइट लिखेंगे कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रॉन्ट वेंड प्रोपगेशन और डिस्टर्बेंस रिचेज एट समाइंट ऑफ स्पेस देन पॉइंट्स वो सिलेक्ट टूगेदर इन द सेम फेज और वो सभी पॉइंट का जो लोकस या ट्रेजेक्ट्री होगा उसको बोलेंगे वेब फ्रॉन्ट जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट सोर्स है तो यहाँ से लाइट सभी डायरेक्शन में जा रहा है इन सभी पॉइंट पर अगर आठ डिस्टेंस हम सब पॉइंट देखें तो आठ डिस्टेंस जितना भी पॉइंट होगा सब पर लाइट एक साथ पहुँचेगा और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या मैग्नेटिक फील्ड सब एक साथ वो करना शुरू करेगा एक तरह से वो करना स्टार्ट करेगा जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा तो यहाँ भी मैक्सिमम होगा जब यहाँ मिनिमम होगा तो सब जगह मिनिमम होगा तो ये सब पॉइंट एक जैसा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेक्ट करने लगेगा या मैग्नेटिक फील्ड सिलेक्ट करने लगेगा तो सभी पार्टिकल बोल सकते हैं कि एक फेज में वो अगर हम मीडियम मैकेनिकल वेव की बात करेंगे तो सभी पार्टिकल एक फेज में वो करना शुरू कर देगा सभी के ट्रेजेक्ट्री को बोलते हैं या लोकस को बोलते हैं वेब फ्रॉन्ट तो वेब फ्रांट क्या है इट इज लोकस ऑफ मीडियम पार्टिकल्स ओ इन सेम फेज एंड लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेब फ्रंट वेब फ्रॉन्ट और लाइट ट्रेवल करेगा परपेंडिकुलर टू वेब फ्रॉन्ट ये वेब फ्रॉन्ट के शेप में अगर कोई स्फेरिकल सोर्स है पॉइंट सोर्स है तो उसका स्फेरिकल वेब फ्रांट होगा और वेब फ्रॉन्ट के परपेंडिकुलर लाइट हर डायरेक्शन में मूव करेगा अगर कोई लीनियर सोर्स है तो उसका जो वेब फ्रंट होगा वो सिलिंड्रिकल होगा और यह सिलेंडर के शेप में वेव आगे बढ़ेगा और वेव हमेशा ट्रेवल करेगा पर टू वेब फ्रंट तो वेब फ्रंट इज ट्रेजेक्ट्री ऑफ मीडियम पार्टिकल्स ओसिलेटिंग इन सेम फेज नेक्स्ट एक्सप्लेन न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या है तो न्यूक्लियर बना होता है न्यूक्लियन से यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटोन से न्यूट्रॉन प्रोटोन इस तरह से न्यूक्लियस में भरा हुआ है तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है बाइंडिंग एनर्जी है इनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसमेंटल द न्यूक्लियस यानी कि इस न्यूक्लियस को अगर हमको डिस्ट्रॉय करना है यानी कि सभी न्यूट्रॉन सभी न्यूक्लियन को इन्फिनिटी पर भेज देना है सभी न्यूक्लियन को इतना इन्फिटी में भेज दें यानी न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय कर दें तो उसके जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उस एनर्जी को बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी और ये किसके बराबर होगा तो ये बराबर होगा मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी मास ऑफ ऑल न्यूक्लियॉन्स ऑल न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर तो देखो न्यूक्लियस का मास क्या होगा न्यूक्लियस मान लेते हैं कुछ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मिलने से बना सभी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो सब इनफिनिटी पर है सबको ला करके के असेंबल कर दिया गया तो असेंबल करने के बाद इस पूरे सिस्टम का कुछ मास पहले से घट जाएगा तो मास में जो कमी हुआ वही कमी इनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है और इनर्जी रिलीज हो चुका है उस एनर्जी को बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी तो बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू कितना होगा जितना भी सभी न्यूक्लियन अलग अलग करके रखे थे तो सब न्यूक्लियन का मा मास और न्यूक्लियन को मिला करके न्यूक्लियस जब बना दिए तो न्यूक्लियस का मास पहले की तुलना में थोड़ा सा कम हो जाएगा तो जो कमी हुआ मास में मान लेते हैं कि डेल्टा एम मास सभी न्यूक्लियन को इकट्ठा करने पर कम गया तो कितना एनर्जी रिलीज होगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर तो यही हो गया बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस तो इस बात को लिखेंगे कि इट इज इनर्जी रिलीज वेन न्यूक्लियॉन्स आर असेंबल्ड न्यूक्लिय न्यूक्लियंस आर ब्राउड फ्रॉम इन्फिनिटी टू असेंबल इन टू अ न्यूक्लियस देन इनर्जी रिलीज विल बी कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी और दूसरी तरह से बोल सकते हैं रिवर्स प्रोसेस कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसमेंटल अ न्यूक्लियस और मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to destroy a nucleus and send nucleons to infinity। अब लॉजिक गेट पे क्वेश्चन आ सकता है आना ही आना ही है तो इस पर क्या क्या आ सकता है तो मेनली बोर्ड लेवल में तीन लॉजिक गेट पर ज़्यादा चांस है एक और गेट और दूसरा एंड गेट और एक नॉट गेट और बाकी जॉर एक्सनॉर नॉर इसमें नॉट लगा देंगे तो नॉर हो जाएगा नॉर नाट लगा देंगे तो नैंड हो जाएगा तो मेनली और, और एंड और इसका नॉट करके भी पूछा जा सकता है तो तीनों लॉजिक गेट को देख लेते हैं यहाँ पर एंड गेट मॉडल पेपर में दिया गया है तो एंड गेट पहले समझ लेते हैं एंड गेट का सिम्बॉल ये है किसी भी जनरली लॉजिक गेट में ये इनपुट हुआ और यहाँ से आउटपुट लेंगे ये हो गया एंड गेट अगर इनपुट के रूप में हम यहाँ से ए और बी दे रहे हैं तो आउटपुट यहाँ से वाई मिलेगा और वाई क्या होगा दोनों का प्रोडक्ट ए इंटू बी ये हो गया एंड लॉजिक गेट और लॉजिक गेट में यहाँ पर कर्व कर देते हैं दो ऐसे फिगर बनाना है ये दो तार है दो इनपुट यहाँ से जा रहा है और यहाँ से आउटपुट मिल रहा है और इनपुट के रूप में ये ए और बी मिल रहा है यहाँ से आउटपुट मिल रहा है वाई तो वाई बराबर क्या होगा दोनों का सम होगा ये हो गया और गेट और नॉट का बस एक इनपुट यहाँ से मिलेगा ए और यहाँ से मिलेगा आउटपुट वाई जो इनपुट देंगे उसका उल्टा मिलेगा ये हो जाएगा नॉट गेट अब नैंड अगर बोल दिया गया तो एंड गेट के बाद एंड गेट ये हो गया और इसके बाद नॉट लगा दिए तो ये हो गया नैंड गेट नॉट गेट में यहाँ पर एक नॉट रहेगा इसको हम लोग शॉर्टकट में ऐसे दिखाएंगे यहाँ पर एक सर्कल लगा देना है देख सकते हैं ये एंड गेट में कोई सर्कल नहीं है यहाँ पर एक सर्कल नॉट लग गया है तो ये हो गया नैंड गेट एंड के बाद नॉट तो एंड में जो मिला था उसका फिर उल्टा कंजुगेट यहाँ मिलेगा तो यहाँ पर अगर ए और बी इनपुट के रूप में मिला तो यहाँ आउटपुट क्या मिल रहा था एंड से पास होने पर ए इंटू बी मिल रहा था फिर नॉट लग like से वो होकर जाएगा तो क्या होगा ए इंटू बी का कंजुगेट हो जाएगा सबके लिए बुलियन अलजेबरा यूज करके ट्रूथ टेबल भी हम लोग थोड़ा सा देख लें एक्सप्लेन करना है तो ट्रूथ टेबल भी एक्सप्लेन कर देंगे तो और अच्छी बात है तो एंड गेट और गेट कम से कम इन दोनों का ट्रूथ टेबल देख लेते हैं लॉजिक गेट में हम लोग इनपुट और आउटपुट के रूप में जीरो और वन का यूज़ करेंगे जीरो और वन यहाँ पर नंबर नहीं है ध्यान रखना है कि जीरो और वन यहाँ पर दो स्टेट है दो स्टेट एक हो सकता है जीरो मतलब नो no, तो वन मतलब यस yes. जीरो मतलब हो सकता है लो वोल्टेज वन मतलब हो जाएगा हाई वोल्टेज जीरो को कोई अपने कोड में यूज कर सकता है मान लो कि जीरो मतलब पास तो वन मतलब फेल या जीरो मतलब फेल तो वन मतलब पास तो ये दो स्टेट है कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर जीरो वन वही चीज़ है तो उसके लिए हम लोग ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते हैं ट्रूथ टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे तो इनपुट है ए और बी और यहाँ आउटपुट मिल रहा है वाई अगर पूछा जाए एंड गेट का ट्रूथ टेबल तो एंड गेट के लिए आउटपुट जो वाई है उसका क्या फार्मूला है एंड गेट्स अगर ए और बी को अलाउ करेंगे पास करेंगे तो आउटपुट मिलेगा दोनों का प्रोडक्ट अब यहाँ पर सभी इनपुट को डालना है इनपुट के रूप में ए अगर ज़ीरो दिए हैं और बी वन दिए हैं तो यहाँ पर वाई क्या हो जाएगा वन इंटू जीरो वन इंटू जीरो जीरो अगर ए वन दिए हैं ये जीरो दिए हैं तो फिर आउटपुट क्या मिलेगा वन इंटू ज़ीरो ये भी ज़ीरो अगर ये भी जीरो और ये भी जीरो तो ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो दोनों वन कर देंगे तो वन इंटू वन वन यही हो गया ट्रू टेबल ऑफ एंड गेट और गेट का ट्रू टेबल उसी तरह से अगर दो इनपुट ए और बी है आउटपुट वाई है तो आउटपुट कैसे मिलता है ए प्लस बी तो अगर ये वन है और ये जीरो है तो आउटपुट वन प्लस जीरो वन ये जीरो है और ये वन है तो जीरो प्लस वन वन ये जीरो है ये जीरो है, है, है तो जीरो प्लस जीरो जीरो और अगर ये वन ये भी वन तो वन प्लस वन वन और तो इस तरह से कम से कम एंड गेट और गेट जिनका नहीं भी पढ़ा हुआ है कुछ भी कभी नहीं पढ़े पहली बार देख रहे हैं तो एंड गेट और गेट याद रख लें कम से कम एंड और, और का फिगर याद कर लें और ये फॉर्मूला याद करना है यही इसी पर काम चल जा सकता है राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस तो डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सबका सब एग्जाम्पल पूछा जा सकता है तो so, डायमैग्नेटिक का डायमैग्नेटिक वो सब्सटेंस होता है जिसमें कि डी ऑर्बिटल में पूरा कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल वाला जितना भी कंपाउंड है या आइटम है वो सब क्या है डाई जैसे जिंक कॉपर कॉपर में फोर एस वन थ्री टेन हो जाता है इस तरह से फिर एयर है ओ थ्री है तो ये सब वाटर है ये सब है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ये सब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जिसके प्रजेंस जब उससे मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू घट जाता है जब इन सबसे मैग्नेटिक फील्ड को पास करेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू घट जाएगा और पारा मेट्रिक इसका उल्टा है जिसमें डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील नहीं हो जैसे ऑक्सीजन जैसे सी यू एस ओ फोर सी यू प्लस प्लस जिसमें भी डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फील्ड नहीं है वो हो जाएगा मैग्नेटिक। और मैग्नेटिक में आयरन कोबाल्ट निकल बहुत सारा अलवाय है सॉफ्ट आयरन हार्ड आयरन टिकोनल अल्कोमैक्स ये सब है मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो कम से कम एग्ज़ाम्पल याद रखना है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्ज़ाम्पल डायनेटिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं वो सब्सटेंस जिसका ससेप्टिबिलिटी निगेटिव होगा पारामैटिक का सब्सिविटी पॉजिटिव होगा और एक से छोटा होगा बहुत छोटा बहुत बहुत बड़ा नहीं होगा और पेरोमेटिक इसमें कि मैगनेटिक फील्ड काफ़ी स्ट्रॉगली इंक्रीज कर जाता है और उसका ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू बहुत बड़ा होता है फाइव हंड्रेड थाउजेंड इस ऑर्डर में तो डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है पारामैनेटिक वीकली अट्रैक्ट करता है फेरोमैगनेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना है जैसे अगर कोई डाय मैगनीटिक सबस्टांस है और इससे मैग्नेटिक फील्ड को पास कराया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड से दूर होकर के जाएगा मैग्नेटिक फील्ड को ये वीकली रिपेल कर देगा और पारामैटिक क्या होगा कि अगर कोई मैग्नेटिक मैंटिफिलाइन दूर जा रहा है तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा तो वीकली अट्रैक्ट कर लेगा और फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो दूर जा रहा था वो इससे अट्रैक्ट होकर के मोस्ट ऑफ द लाइंस इसी से होकर के जाएगा तो यह फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस राइट द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ डिप देखो एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है मतलब कि वो आना है तीन चार बार उसको करके दे दिया गया तो एक बार तो जरूर वो आ जाएगा एंगल ऑफ डिप क्या है तो ये हम लोग डिस्कस किए कि किसी भी जगह पर हॉरिजेंटल डायरेक्शन से नेट जो अर्थ का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटल डायरेक्शन से जो एंगल बनाएगा उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन तो बताना है कि एंगल मेड बाय नेट मैग्नेटिक फील्ड विथ हॉर्जेंटल डायरेक्शन कैन बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप और इसी तरह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा बी कॉस डेल्टा सेमी कंडक्टर क्या होता है एक्सप्लेन सेमी कंडक्टर तो बोलेंगे कि सेमी कंडक्टर वो मटेरियल है जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा होगा कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा होगा और उसके पीछे कारण है कि इसमें जो इनर्जी बैंड होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड उसके बीच का गैप बैंड गैप एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में रहेगा 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में रहेगा तो मेटल में ये बैंड गैप ज़ीरो होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है बैंड गैप वो ज़ीरो है दोनों ओवरलैप भी करता है सेमी इंसुलेटर uh, में ये बैंड गैप नाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है काफ़ी ज़्यादा होता है और सेमी कंडक्टर में बैंड गैप यानी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का बैंड इनर्जी गैप होता है दोनों के बीच में इसका कंडक्टिविटी भी कंडक्टर से कम इंसुलेटर ज़्यादा होता है और इसमें जो चार्ज करियर है उसमें इलेक्ट्रॉन और होल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ये सब हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं ये तीनों का जो बैंड गैप है उसको एक्सप्लेन कर देंगे मेटल का जो बैंड गैप होता है कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड वो ज़ीरो होता है और सेमीकंडक्टर का बैंड गैप ज़ीरो से ज़्यादा होगा लेकिन इंसुलेटर से काफ़ी कम होगा इंसुलेटर का जो बैंड गैप होता है वो काफ़ी बड़ा गैप होता है कंडक्शन तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में जाता है यहाँ तो आसानी से जा सकता है बिना कोई एक्स्ट्रा इनर्जी दिए यहाँ पर थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो फिर ये कंडक्शन बैंड में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन और ये कंडक्शन में पार्टिसिपेट करने लगेगा रेजिस्टेंस के बारे में बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ता है इस तरह से लेकिन इंसुलेटर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने पे घटता है ग्राफ और भी अलग अलग तरह का हो सकता है किर्चॉप्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। अप्लाइंग दिस लॉ ऑप्टेन बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ विथ स्टोन ब्रिज स्टेट एंड एक्सप्लेन किर्चॉप्स लॉ करचॉप्स लॉ दो दो लॉ है दो लॉ है किचॉप्स का एक करचॉप्स फर्स्ट लॉ और दूसरा किर्चॉप्स सेकेंड लॉ तो फर्स्ट लॉ क्या है किचॉप्स करेंट लॉ या किचॉप्स चार्ज लॉ और यह है किर्चॉप्स वोल्टेज लॉ इट इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इट इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और क्रचॉप्स करेंट लॉ एक्सप्लेन कर देंगे कि किसी पॉइंट पर जितना करंट इंटर करेगा उतना ही करंट वहां से निकलेगा अगर किसी पॉइंट पर करंट आई वन आई टू आ रहा है तो वहां से निकलेगा आई वन प्लस आई टू नेट करंट इंटर इंटरिंग एट ए पॉइंट विल बी इक्वल टू करंट लिविंग फ्रॉम द पॉइंट और किर्च वोल्टेज लॉ क्या है कि पोटेंशियल ड्रॉप इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन इलेक्ट्रिकल लूप सम अल्जेब्राइक सम अल्जेब्राइक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इन इलेक्ट्रिकल सर्किट हो जाएगा जीरो जैसे अगर हम इस पॉइंट चलते हैं तो कोई एलिमेंट मिला इससे पोटेंशियल ड्रॉप मान लेते हैं वी वन है आगे दूसरा एलिमेंट कुछ मिला रेजिस्टर कैपेसिटर बैटरी कुछ मिला इंडक्टर इससे पोटेंशियल ड्रॉप भी टू है यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप इस तरह से भी थ्री है वी फोर है तो साइन के साथ सबको ऐड करेंगे तो यहाँ से चले तो पहला वी वन नेक्स्ट वोल्टेज ड्रॉप मिला वी टू नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ड्रॉप मिला वी थ्री नेक्स्ट मिला वी फोर तो सभी पोटेंशियल ड्रॉप का अलजेब्राइक सम होता है जीरोजेब्राइक सम ऑफ अलजेब्राइक सम बोलने का मतलब है कि साइन के साथ अलजेब्राइक सम ऑफ पोटेंशियल पोटेंशियल ड्रॉप्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट विल बी इक्वल टू जीरो यह हैचॉप वोल्टेज लॉ और इस लॉ को यूज करके हम लोग को व्हीट ब्रिज का जो कंडीशन है बैलेंस करने का उसको प्रूफ कर देना है तो पहले तो व्हीट स्टोन ब्रिज बना देंगे और किरचॉप्स वोल्टेज लो अप्लाई करके प्रूफ कर देंगे कि बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है तो वीट स्टोन ब्रिज अगर इस तरह से है जिसमें पांच रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है ये पांचवा रेजिस्टेंस ये है ये एक रेजिस्टेंस आर वन ये आर टू ये मान लेते हैं आर थ्री और ये आर फोर और ये है आर फाइव और यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट कर दिए बैटरी कनेक्ट कर दिए अब इसमें इससे कोई करंट फ्लो ना करे या फिर इस दोनों का पोटेंशियल पॉइंट क्यू और पी का सेम हो जाए तो इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये सर्किट में यूजलेस हो जाएगा इसको हम लोग सर्किट से रिमूव कर सकते हैं तो इस केस में हम बोलेंगे कि विट्रोस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है और बैलेंस्ड के कंडीशन क्या है तो आर वन इंटू आर टू आमने सामने का रेजिस्टेंस आर वन इंटू आर टू इक्वल्स टू होना चाहिए आर थ्री इंटू आर फोर इसको प्रूव कर देना है इसको प्रूव करेंगे बाय यूजिंग किचॉब्स वोल्टेज लॉ मान लेते हैं कि इसमें करंट चला गया आई वन इसमें करंट चला गया आई टू और इसमें करंट चला गया मान लेते हैं आई जी तो इसमें करंट कितना जाएगा इसमें जाएगा आई वन माइनस आई जी और इधर से आई टू और इधर से आई जी आ रहा तो इसमें करंट कितना जाएगा इसमें जाएगा आई टू प्लस आई जी ये सब कर लेंगे और फिर इस लूप में पोटेंशियल ड्रॉप लिखेंगे इस लूप का पोटेंशियल ड्रॉप और इस लूप का पोटेंशियल ड्रॉप जीरो करेंगे और आई जी का वैल्यू जीरो पुट करने पर यह कंडीशन प्रूव कर देना है तो अगर मान लेते हैं कि इस ब्रांच में करंट आई वन गया इसमें करंट आई टू गया और आई वन करेंट इसमें चला गया आई जी तो बाकी इसमें कितना गया आई वन माइनस आई जी और इधर से आई टू आया इधर से आई जी आया तो इसमें कितना चला गया आई टू प्लस आई जी तो अगर हम इस लूप के लिए पोटेंशियल केवीएल अप्लाई करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ तो इक्वेशन क्या लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे आई वन इंटू आर वन यहाँ से चलना शुरू करेंगे करंट डायरेक्शन में तो आई वन इंटू आर वन फिर आगे चले आई जी इंटू आर फाइव फिर यहाँ से चले करंट के इस डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है उसका अपोजिट जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस आई टू इंटू आर फोर और उसी पॉइंट तक आ गए तो इक्वल टू जीरो एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा दूसरा इक्वेशन इस लूप के लिए अगर यहाँ से मान लो चलना शुरू करते हैं तो लिखेंगे आई वन माइनस आई जी इंटू आर थ्री करंट डायरेक्शन जा रहे हैं फिर यहाँ पर करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो माइनस आई टू प्लस आई जी इंटू आर टू और फिर यहाँ पर करंट करेंट अपोजिट जा रहे हैं तो माइनस आई जी इंटू आर फाइव और ये क्या हो जाएगा जीरो और बैलेंस्ड होने के लिए आई जी का वैल्यू क्या पुट करेंगे सब में जीरो पुट करेंगे तो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा पहला इक्वेशन बन जाएगा आई वन इंटू आर वन माइनस आई टू इंटू आर फोर इक्वल्स टू जीरो और यहाँ पर आई जी का वैल्यू जीरो पुट करने पर इक्वेशन क्या बन जाएगा दोनों इक्वेशन का यूज़ करके फाइनली हम इसको प्रूव कर देंगे इसके बाद और भी बहुत सारा क्वेश्चन है तो सो किसी बुक से देख सकते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल देखिए तो इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसको रिप्रेजेंट करेंगे डाइपोल मोमेंट से तो हम लोग उसके एक्सियल पॉइंट पर बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डिस्टेंस पर कितना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक्सिस पर टू के पी बाई एक्स क्यू और उसके परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वाई डिस्टेंस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E क्वस टू के पी बाई वाई क्यू तो इसको बोल देंगे ई e पैरेलल और इसको बोल देंगे ई e परपेंडिकुलर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेल पॉइंट पर तो इंटेंसिटी और और एक हो जाएगा वन डी डी बाई टू का स्क्वायर डी बाई टू का स्क्वायर का टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर स्का स्क्वा डी बो छोटा एक्स इंटूर क्यू इंटू डी रिजल्ट वाई क्यू तो अभी और भी क्वेश्चन कुछ डिस्कस करना बाकी है नेट का थोड़ा समस्या हो गया है तो अभी यहीं पर स्टॉप करते हैं और रात में बाक़ी जो क्वेश्चन बच गया चार पांच क्वेश्चन और है या कुछ और इम्पोर्टेंट होगा हम रात रात तक उसको यूट्यूब पर लाइव करेंगे बाकी अपना तो सेल्फ स्टडी करते रहना है इससे कुछ फ़ायदा होता है तो ठीक है अदरवाइज जो पहले से पढ़ा हो वही काम आएगा